नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 7, और पाठ संख्या 7 का शीर्षक है लोकगीत। तो चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। तो यहाँ पर बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये नृत्य कौन से हैं? जी हाँ, ये कथक, भरतनाट्यम और भांगड़ा नृत्य के रूप हैं। इसी प्रकार लोकगीतों के भी कई रूप होते हैं। आप लोकगीतों के जो भी रूप जानते हैं उन्हें अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखो, साथ ही अपनी कक्षा में इन पर सामूहिक रूप से चर्चा करो। आप बहुत अच्छे से चर्चा कर पाएंगे यदि आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे व सुनेंगे। बच्चों, यहाँ भारतीयता की पहचान तथा संस्कृति से संबंधित लोकगीतों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं, मतलब उनसे अलग हैं। लोकगीत सीधे घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों, इसके लिए हमें रियाज करने की, साधना करने की ज़रूरत नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, मतलब छोटा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे बच्चों। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निद्वंद्व कहलाता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पहाड़ी लोकगीत अलग होते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के गीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें हम कर रहे हैं लोकगीतों की। आगे चलते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं।
उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह देहात में इन्हें गाते हुए फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों, परदेसी प्रेमी की और प्रियाओं की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का रंग बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर तथा स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं, पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए रहा के, विवाह के, मटकौड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, तो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से ओडिशा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है।
गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पे। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, और यहाँ वर्णन किया गया था लोक गीतों का, तरह तरह के स्थानों पर जो लोक गीत गाए जाते हैं, उनकी भाषा क्या होती है और उन्हें किस तरह से गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तिका में आपको लिखने हैं कठिन शब्द: लोकप्रियता, शास्त्रीय, साधना, अवसर, ढोलक, झांझ, उपेक्षा, साहित्य, परिवर्तन, ओजस्वी, निद्वंदर्व, दिशाएं, विधियां, वास्तविक, बारहमासा, उल्लासित, ढोला मारू, कल्पना, रोजमर्रा, आह्लादकर। तो चलिए आगे चलते हैं शब्द अर्थ की तरफ। लोकगीत का मतलब है, अर्थ है समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत। संबंध, मिलना या मेल। लोकप्रियता, प्रसिद्धि। कल्पना, सपना। भिन्न, अलग। मर्म, हृदय। साधना, अभ्यास। भीड़, झुंड, जनसमूह। जरूरत, आवश्यकता। आकर्षित, मन को लुभाना। अवसर, मौका। लोकप्रिय, प्रसिद्ध। हे, छोटा, तुच्छ। निश्चय, असंशय, दृष्टि, नजर। उपेक्षा, नजरअंदाज करना। हवाला, संकेत करना, इंगित करना। परिवर्तन, बदलना, तब्दीली। कंठ, गला। संग्रह, एकत्रित, इकट्ठा। ओजस्वी, तेज, उत्साहपूर्व। उल्लसित, गर्वित, उत्तेजित। सजीव, जीवन, चेतन। मदद, सहायता। नियम, सिद्धांत। नाच, नृत्य। निद्वंदर्व, स्वच्छंद। वास्तव में, असल में। विधि, पद्धति, नियम। इठलाना, शान दिखाना। वास्तविक, यथार्थ, असली। आनंद, रस लेना। देहात, गांव और स्रोत होता है साधन। तो बच्चों, ये शब्द अर्थ आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। लोकगीत कब गाए जाते हैं? लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। गुजरात का दलीय गायन कौन सा है? गुजरात का दलीय गायन गरबा है। किन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है? लोक गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। पूरब की बोली में कौन से गीत गाए जाते हैं? मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कौन से? मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो ये है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। लोकगीत पाठ के लेखक हैं कौन? है लेखक भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीतों की भाषा कैसी भाषा होती है? आम बोलचाल की भाषा होती है। शास्त्रीय संगीत से लोकगीत किस मायने में भिन्न होते हैं? सोच, ताजगी और लोकप्रियता में। लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? स्त्रियों का। गढ़वाल, किन्नौर के लोकगीत क्या कहलाते हैं बच्चों? जल्दी बताइए, पहाड़ी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति। लोकगीतों के लिए डैश की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती हमें? साधना। लोकगीतों के लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों का एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव होता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। डैश की जातियों के भी दल गीत होते हैं। किसकी जातियों के? जंगल। जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं। अनंत संख्या देश में स्त्रियों के गीतों की है। स्त्रियों के गीतों की है। अब हमें उचित मिलान करना है। छोटा नागपुर में कौन सा होता है बच्चों? ओराव मुंडा। मैं यहाँ पर साथ साथ लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई दुविधा ना हो इन्हें ढूंढने में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या होता है? गोंड खांड। ठीक है, अब आ गया किन्नौर। किन्नौर में गाए जाते हैं बच्चों पहाड़ी गीत। ठीक है, पंजाबी गीत है सोनी महिवाल और देहात कहरवा बिरहा। आप इसे मेरे साथ साथ मिलान करते जाएंगे और अब हमें देने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जगनिक कौन था? उसने किसकी वीरता का बखान किया था? जगनिक चंदेल राजाओं के राजकवि थे। आला उदल की वीरता का बखान किया था जगनिक ने। लोकगीतों की विशेषताएं बताओ। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें करने के लिए, इन्हें सीखने के लिए किसी साधना की ज़रूरत नहीं होती। ये सोच लोकप्रियता और ताजगी में भी बिल्कुल अलग होते हैं। विशेष त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। लोकगीत सीधे घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? सोहर, वाणी, सेहरा और भी बहुत सारे हैं। जब आप पाठ को दोबारा पाठन करेंगे तो आपको और भी गीत पता चलेंगे। अध्याय में लोकगीत के किन पक्षों पर चर्चा की गई है स्पष्ट करो बच्चों। ये मैं आपको दे रही हूँ आपका आज का गृह कार्य। इस उत्तर को आप स्वयं ढूंढेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको अब अपने देश के लोकगीतों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।